आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर ही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देख लो यहां पर एक वर्ड आ गया ना, गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक वर्ड आ गया गुडविल। फिर हम लोग बाद में देखेंगे कितने टाइप से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गुडविल को देख लो। गुडविल क्या है? नो डाउट, एक बात बताइए, मार्केट में तो बहुत सारे दुकान होते हैं ना, और ऑलमोस्ट सबको ही एक जैसे सामान ही डील करते हैं। मान लीजिए ये तीन दुकान है, ए बी सी, ऑलमोस्ट ये तीनों एक जैसे सामान को ही डील करते हैं। फिर भी आप ए बी सी में क्या किसी एक में जाते हैं ना, सबसे पहले जिसमें आप जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको उसके ऊपर फेथ है, ट्रस्ट करते हैं आप, उसका नेम है मार्केट के अंदर, नेम एंड फेम। यानी मान लेते हैं अगर बी को है तो बी नो डाउट, क्योंकि इसका आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, मार्केट में इसका नाम है, तो लोग इसके पास ज्यादा जाते हैं। बट बिजनेस तो तीनों को ही कर रहे हैं ना, यानी नॉर्मल प्रॉफिट तो तीनों को ही कमाएंगे। बिजनेस करने के वक्त जिस टाइप से प्रॉफिट करते हैं तीनों को ही करेंगे, एबीसी। बट बी क्या करेगा? एक्सेस करेगा, ज्यादा करेगा कि नहीं, क्योंकि इसके पास ज्यादा कस्टमर जा रहा है, क्योंकि इसका नाम है मार्केट के अंदर, जिसको ही हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो ये दोनों से कुछ ज्यादा एक्सेस कमाएगा, इसी को क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है। देखिए यही चीज यहां पर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रिपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस। इट इज द एट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। गुड नेम, रिपुटेशन क्या लेकर आता है? कस्टमर को लेकर आता है, तभी तो आप बोले कि हम बी के पास जाते हैं। इट इज द एट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर, बी में लाया। इट इज द वन थिंग, यही एक चीज है, कौन सा? गुडविल, गुड नेम, रिपुटेशन, जो कि कस्टमर को ला रहा है, यही ए और सी से इसको अलग करता है, करता है ना। दस गुडविल क्या रेफर कर रहा है? कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। अभी तुरंत बताएं ए और सी से बी क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट करेगा। तो देखिए ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कि अभी हम तुरंत बताएं कि नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, कभी भी अगर बिजनेस करेगा, ए बी सी जो रुपया कमा रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये दोनों से जो ये ज्यादा कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर एक बात आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं। अभी आपने क्या देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट तो करना ही करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं उसके बारे में लिखिए। नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज द प्रॉफिट विच द फर्म और अदर सिमिलर फर्म्स अर्न करता है इन रूटीन नेचर। जब आप बिजनेस करते हैं, इट इज द प्रॉफिट विच द फर्म और अदर सिमिलर फर्म्स, आपका फर्म और जो अदर सिमिलर फर्म है, जैसे अभी आपने एबीसी को देखा था तो बी दोनों से ज्यादा कर रहा था, बट प्रॉफिट तो तीनों कर रहा था ना, वही बात है। इट इज द प्रॉफिट विच द फर्म और अदर सिमिलर फर्म्स आर इन रूटीन नेचर। रूटीन नेचर मतलब जो बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को जो प्रॉफिट होता है उसी को क्या बोला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और अभी आपने क्या देखा, बी ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था ना,
तो वो एक्सेस प्रॉफिट कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। गुडविल को ही सुपर प्रॉफिट भी बोला जाता है। गुडविल को क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि गुडविल किसको बोलते हैं। गुडविल में एक टर्म आ गया, क्या टर्म आया था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग किसको बोलते हैं वो भी जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जो है ये चैप्टर का नाम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने टाइप से होते हैं, चलिए लिखिए। टाइप्स, जिसको मेथड्स भी बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑब्लिक मेथड्स, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरह से बनते हैं, बोलना शुरू करें। देखो टाइप्स मेथड्स, किस किस मेथड से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। तो सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। वर्ड आ गया एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, वही मीन एवरेज। मान लीजिए अगर आपके क्लास में 5 लोगों का मार्क्स बता दिया जाएगा और बोलेंगे एवरेज करो, तो आप कैसे करोगे, ये 5ों के मार्क्स को आप प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे, हो गया ना एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड्स हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों जगह है, बट यहां पर खाली सिंपल वर्ड आ गया, यहां वेटेड आ गया। सिंपल बोलेगा तो जैसे आप एवरेज करते हैं वो बात है, और वेटेड में हम लोग कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड दूसरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड तो बहुत सारे हैं, अभी हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि थर्ड हम लिखाएंगे अभी, ये नॉर्मल प्रॉफिट भी हम मिटा दे रहे हैं। थर्ड लिखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में, आप देखेंगे ये जो थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड में, वहां पर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट करके बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे, और सुपर प्रॉफिट तो अभी वर्ड हम लोग देखे ही कि सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मेथड्स वैसे और भी है, सिर्फ ये 3 मेथड्स नहीं है, मेथड और भी है, बट अपने को 3 मेथड बनाना है। आगे 4 नंबर मेथड लिख के रखो, एनयूटी मेथड। एनयूटी मेथड क्या है, एनयूटी का वैल्यू दे देता है और सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से उसको या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से इनटू कर देंगे तो एनयूटी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। इसी के लिए आगे में और भी लिख लीजिए, एनयूटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेट परचेज ये सारे मेथड्स हो गए हैं। मेथड्स ये सारे मेथड्स आपने देखा, थर्ड है कैपिटलाइजेशन एनयूटी मेथड और नेट परचेज कंसीडरेशन मेथड। अभी हम लोगों ने एक वर्ड देखा, नॉर्मल प्रॉफिट तो देखा, नॉर्मल प्रॉफिट तो हम लोगों को पता चल गया, बट हम लोगों ने एक अभी वर्ड देखा वो क्या था, एवरेज प्रॉफिट। पहला कौन सा मेथड है बोलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है उसके बारे में लिख लो, और फिर ये जो सुपर प्रॉफिट है ना उसके बारे में भी कुछ लिख लो। सम्स बनाना तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देगा नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं,
एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो दिक्कत आएगा ना। इसीलिए अभी आप लोग उसको थोड़ा लिखने के लिए शुरू कीजिए। बोले देखो, एवरेज प्रॉफिट जैसा कि अभी हम लोग आपस में डिस्कस किए थे कि बहुत सारे ईयर का प्रॉफिट को या लॉस को टोटल करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट होगा। इफ द एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेवरल ईयर्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कोई क्लियर? सुपर प्रॉफिट, अभी हम जैसे बता रहे थे ना, सुपर प्रॉफिट तीन फर्म लिए थे एबीसी, आप लोगों ने बोला बी के पास जाएंगे क्योंकि उसका रिपुटेशन है, गुडविल है मार्केट में, तो आप वहां पर गए तो क्या हुआ, ज्यादा लोग वहां पर जा रहा है तो ए और जो सी है उससे ज्यादा बी कमा रहा था, बट फर्म तो सिमिलर था। तो यही है सुपर प्रॉफिट, जिसको अगर बोल दिया व्हाट इज एक्सेस प्रॉफिट, तभी जो सुपर प्रॉफिट है उसी के बारे में आप लिखना, व्हाट इज सरप्लस प्रॉफिट बोल देगा, देन सुपर प्रॉफिट के बारे में ही लिखना। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट, अभी तुरंत बताए थे हम, जो कि अर्न करता है फर्म इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, और एवरेज प्रॉफिट सिमिलर अदर सिमिलर फर्म से अगर एक्सेस आप कमाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, देखो एक नोट पुट कर लो। वैसे इन जनरल क्या होता है, हम लोग कब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे और कब हम लोग वेटेड एवरेज से निकालेंगे, ये एक रूल है जिसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, बट होता क्या है कि हम लोगों को मेंशन कर देता है सम्स में कि एवरेज से करना है या वेटेड से करना है। ठीक है ना, तो एक नोट पुट कर लो जो आपको काम देगा। बहुत बार आपसे कोई पूछ देगा, और वैसे भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। देखो नियम क्या है, मान लीजिए 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, उतारना नहीं है समझने के लिए। अगर प्रॉफिट 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,25,000 है, 1,40,000, 1,50,000, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट एसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ता हुआ है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 2011 में प्रॉफिट 1 लाख हुआ, फिर 90,000 हुआ, फिर 1,20,000 हुआ, 1,50,000 हुआ, फिर 70,000 हुआ, तो यहां पर प्रॉफिट क्या देख रहे हैं, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कोई ट्रेंड ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ये तो चलो ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, एसेंडिंग ऑर्डर में है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जहां पर किसी तरह का रूल फॉलो नहीं करेगा वहां पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करते हैं, और जहां पर एसेंडिंग या डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को फॉलो करेगा तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। ठीक है, तो एक नोट पुट कर लो, अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, व्हेन वी यूज एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, कब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, जब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी मैंने आपको यहां पर एग्जांपल्स दे ही दिया है, नोट पुट कर लो।
इफ दे आर एग्जिट, अगर आप देख रहे हैं कि सम्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट का, या तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ, तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट शुड बी अप्लाइड, बट इफ द प्रॉफिट्स लेकिन अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट मतलब कभी कम कभी ज्यादा, तब हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज फॉलो। क्लियर? बोलो, बात क्लियर हो गया यहां तक? तो अभी तक हम लोगों ने, तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? तो गुडविल किसको बोलते हैं ये आपने देखा, कितने टाइप्स नॉर्मल प्रॉफिट को आपने देखा, टाइप्स या मेथड को आपने देख लिया। टाइप्स में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है? फिर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, ये देख लिया आपने, नोट भी पुट कर लिया।